हेलो एंड वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद तेज सर। तो आज मैं कई बातों में जो कल का वीडियो था उसके ऊपर जो कन्फ्यूजन थे, आज बम्बई हाई कोर्ट ने उन सब के बारे में अपनी बातें बताई हैं, आईसीसी ने भी अपनी बातें रखी हैं, उन्हीं सारी बातों पे मैं आप डिस्कस करूंगा। और फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि मेरी बातें आपके फ़ायदे की हैं तो मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको दिखता है कि मेरे को कुछ नहीं आता है या मैं फालतू में कैरियर किसी का बर्बाद कर रहा हूँ, बच्चों को बहका रहा हूँ, तो अगर ऐसी बात आपको कहीं पे भी लगे तो आप मेरा चैनल प्लीज़ मत देखिए। कोई भी, मेरे को प्रॉफिट उससे होने वाला नहीं है कि आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं अपने अच्छे से बेस्ट ऑफ माई नॉलेज से मैं सारी चीज़ें ढूंढ करके और बताता हूँ तो ही आप चैनल देखिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली, तो ये आप देख करके उसके बाद में चूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं आज क्या हुआ बम्बई हाई कोर्ट में। अभी हम लोग बात करेंगे आज जो बम्बई हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग आज हुई। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें थी वो प्रपोजल था आईसीसी बोर्ड का और उस पर फाइनल डिसीजन तब तक नहीं हुआ था। तो आज बहुत ही अच्छी एक खबर है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, तो वो मेरा आइडिया था, मैंने आपको बताया था ऐसे हो सकता है, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया था। अब खुशखबरी आज जो मतलब है वहाँ पे हाई कोर्ट से, बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए आई है। कई चीज़ें वहाँ से निकल के आई हैं और वो खुशखबरी अभी मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको शायद पता भी लग गया होगा इधर उधर से, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल उसको मैं बताना चाह रहा हूँ वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पे आज ये हुआ है कि मुंबई हाई कोर्ट ने आईसीएससी बोर्ड को ये बिल्कुल क्लियरली बोला है कि वो प्री बोर्ड के मार्क्स कैसे चढ़ाएंगे, उससे मतलब ज़्यादातर जो पेरेंट्स थे या जो भी पार्टीज थी या बच्चे थे सब के सब, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। और जैसे कि आप लोग देख भी रहे हो, आप लोगों को कन्फ्यूजन है, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था तो उसी को देख करके जो बम्बई हाई कोर्ट ने आईसीएससी बोर्ड को क्लियरली बोला है कि वो जो भी फार्मूला है कैसे वो मार्क्स देंगे बच्चों को, दैट फार्मूला शुड बी इन ऑन द बोर्ड, मतलब सबके सामने होना चाहिए, मतलब सब लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे मार्क्स देंगे और उसके बाद जो है वो आराम से डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि आप बार बार मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, सब लोग मतलब बार बार मेरे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो अभी इसी इन्हीं चीज़ों को ध्यान रख करके आईसीसी बोर्ड ने अब सीधा उनको आईसीसी बोर्ड को मुंबई हाई कोर्ट ने सीधा बोला है कि आप अपना फार्मूला लेकर के आइए और उसको बोर्ड के ऊपर रखिए, बच्चों के सामने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखिए, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि एक्चुअल में उन्हें क्या करना है। क्योंकि बच्चे इस चीज़ से डरे हुए थे कि कुछ प्री बोर्ड में मार्क कम है, वो ज़बरदस्ती बीमारी होते हुए मतलब कोरोना के डर होते हुए भी वो मजबूर थे ऑप्शन ए लेने के लिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्कूल भी फोर्स कर रहे थे बच्चों को, मतलब जैसे कि खबरें आ रही है कई जगह से कि वो ये ज़बरदस्ती उनको कह रहे हैं कि आप ऑप्शन वन लीजिए। तो इन चीज़ों को सबको देख करके और हाई कोर्ट ने ये उनको बोला कि आप बोर्ड मतलब जो भी आपका आइडिया है किस तरह से आप मार्क्स बच्चों को देंगे तो वो क्लियरली बताइए, अपनी वेबसाइट पर डालिए और स्कूलों को भेजिए। अब आईसीसी बोर्ड ने उसके जवाब में ये बताया है कि वो सैटरडे तक डिसाइड करेंगे, सैटरडे मतलब 20 तारीख है, सैटरडे शाम तक उनका फार्मूला वो तैयार कर लेंगे कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वो पिछले जो पेपर हो चुके उनके एवरेज करके देंगे, प्री बोर्ड के साथ में उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया था, अब वो मतलब मैंने बार बार उसको बोला था कि वो मेरा आइडिया था, तो हो सकता है उस तरह से हो, तो कैसे बहुत सारी उनके पास में ऐसी मतलब विचार दिए गए हैं लोगों द्वारा कि इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र विचारों को रख करके और आईसीएससी काउंसिल जो है उन्होंने ये कहा कि 20th तक हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो अब जो आपका जो बाउंड्री थी 22nd तक आपको अपना जो रखना था पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को ऑप्शन ए लेना है या बी लेना है, तो अब वो 22nd की डेडलाइन हटा दी गई है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि 22nd अब कोई मतलब नहीं है उसका, आप पहले अपना पूरा बताइए, आईसीसी बोर्ड को बोला है कि आप बताइए कि किस तरह से आप मार्क्स देंगे ताकि बच्चों को क्लियरिटी हो कि उनको कौन सा ऑप्शन लेना है। तो अब जो है 22nd तक आपको जल्दी नहीं है, अभी आप जल्दी मत करिए उसको अपना ऑप्शन लेने के लिए, पहले आप वेट करिए आईसीसी काउंसिल का, वो आपको मेथड अपना बताएंगे कि किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद
आप अपना विचार बनाइएगा जो भी आपके लिए फायदेमंद आपको लगे। तो अभी 20th को उन्होंने बोला है कि वो अपना बना लेंगे तो उसके बाद वेबसाइट पे डालेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 20th तक आप कर लेते हैं तो आप वेबसाइट पे डालिए, नहीं तो 22nd तारीख को उन्होंने डेट दी है दोबारा से, आप हाई कोर्ट में 20th को अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए और 22nd को हम लोग उस पर विचार करेंगे कोर्ट के अंदर, आपस में सब लोग जितने भी वहाँ पे पार्टीज हैं सब विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे और उस पर बहस होगी, उसके बाद में जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट जो है सबके जो फायदे के लिए होगा वो देंगे। तो मेन जो बातें थी यहाँ पे दो तीन बातें हैं, नंबर वन 22nd की जो डेडलाइन थी जून की वो हटा दी गई है, नंबर टू अभी तक जो ये कन्फ्यूजन था कि कौन सा फार्मूला लेंगे तो वो फार्मूले का भी विचार अभी क्लियर होगा, ICSE बोर्ड आपको क्लियर बताएगा कि इस तरह से हम मार्क्स ऐड करेंगे, तो वो भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी आपके लिए अच्छा चीज़ हो वो आपको फाइनली डिसाइड करना है, उसके उसके बाद में आप जो भी आप डिसाइड करेंगे तो इजीली हो जाएगा, अभी जो कन्फ्यूजन आपके सारे के सारे 22 तारीख को हट जाएंगे, तो तब तक आप 22 तारीख तक उन सब चीज़ों की वेट करिए, हम लोग वेट करते हैं, अभी हाई कोर्ट को डिसीजन लेना है 22 तारीख को, तो अभी जो बात जो मैंने आपको बताई यही बातें हैं कि 22 तारीख तक ICSE को अपना मेथड बताना है कि किस मेथड से वो मार्क्स बच्चों को देने वाले हैं, किस तरह से प्री बोर्ड के मार्क्स को यूज करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी 22nd तक, सो वेट टिल 22nd, और अभी आपका बाउंड्री नहीं है 22nd की कि आपको तब तक आपका विचार बताना है, अब आपका वो हट गया है, आराम से अभी वेट करिए 20th को बोर्ड की एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद अपना विचार बनाइए और स्कूल